हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया, वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं सर्कल्स चैप्टर्स से क्लास टेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला गया, इन द फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी अ टेंजेंट पी टी एंड अ लाइन सेगमेंट पी ए बी इज ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। मीन्स फिगर के अंदर क्या दिया है, हम लोगों को एक सर्कल दिया है और पी क्या है, एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस पॉइंट से पी टी क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है और पी ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब आगे बोला गया है ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड ए बी, और ओ एन क्या है, एक कॉर्ड जो ए बी बनती है इस तरीके से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है। दैन प्रूव दैट, तब क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, ये पहला पार्ट है। पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर दूसरा पार्ट है, और थर्ड पार्ट में प्रूव करना है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो फिगर के अंदर हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है क्या क्या। पी टी हम लोगों के लिए क्या है, टेंजेंट है, ओ सेंटर है, ओ एन क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी कॉर्ड के ऊपर। सो अगर ओ एन परपेंडिकुलर है ए बी कॉर्ड के ऊपर तो ये क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब बी एन इक्वल्स टू ए एन, ये दोनों पार्ट्स कैसे हो जाएंगे, कॉर्ड के इक्वल हो जाएंगे, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्टेड, ठीक है। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस पॉइंट को हम लोग यूज़ कर लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, और फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग कहाँ से लेके चल रहे हैं क्वेश्चन को, राइट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को बोला गया है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, ठीक है। सो पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, अब ये तो कैसा लग रहा है देखने में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी आइडेंटिटी लग रही है, तब इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को लिख सकते हैं पी एन प्लस ए एन एक ब्रैकेट के अंदर और पी एन माइनस ए एन दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख दें। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, अब पी एन प्लस ए एन, सो पी एन इज वेयर, पी एन इज दिस एंड ए एन इज दिस पार्ट, राइट। और ए एन तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा था, ए एन किसके इक्वल है, बी एन के इक्वल है, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर देते हैं, पी एन को पी एन ही रखा रहने दें, और ए एन ए एन के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, बी एन रख दिया हम लोगों ने, ठीक है, और इसको पी एन माइनस ए एन एज इट इज़ हम लोगों ने रहने दिया, रीजन डाल देते हैं, सिंस ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी देयरफोर ए एन इक्वल टू बी एन मेंशन किया है। आप देखें तो पी एन प्लस बी एन, सो पी एन इज़ वेयर, पी एन इज़ दिस एंड बी एन इज़ दिस, और पी एन और बी एन मिलके क्या बन गया, पी बी, तो रख सकते हैं इसके पार्ट पे क्या, पी बी इंटू है पी एन माइनस ए एन, सो पी एन इज़ दिस लाइन सेगमेंट और माइनस ए एन, ए एन इज़ दिस। सो इस पूरे लाइन सेगमेंट में से अगर इसको माइनस किया तो क्या बचता है हम लोगों के पास में, ए पी, तब यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम लोग, ए पी, ठीक है। और यही हम लोगों को फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव करना था कि पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू वॉट, पी बी इंटू ए पी, या इसी चीज़ को लिख देते हैं क्या, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। लेट दिस इज वॉट इक्वेशन नंबर वन हम लोगों का काम आएगा, मेंशन कर दिया है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है हम लोगों को, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। तो इसको कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड से। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, और क्या दिया है हम लोगों को, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, ठीक है। अब पी एन है हम लोगों के पास में, पी एन, पी एन अगर एक लाइन सेगमेंट हम लोग देखें तो पी एन लाइन सेगमेंट ये है, और पी एन लाइन सेगमेंट जो है ना वो किस ट्राइंगल का पार्ट है, ट्राइंगल ओ एन पी, ठीक है। और ये कैसे ट्राइंगल है, 90 डिग्री का है अगर ये एंगल तो ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर ये 90 है तो ये इसके लिए क्या होगा, ओ पी, हाइपोटेन्यूस होगा, इसको हाइपोटेन्यूस, राइट। इसको अगर हम लोग बेस कंसिडर कर लें तो ये क्या हुआ हम लोगों के लिए, परपेंडिकुलर लाइक, ठीक है। सो अगर पी एन स्क्वायर है मीन्स बेस के स्क्वायर, पढ़ाए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, लिख देते हैं।
बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपरटीनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब पी एन स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, पी ओ या ओ पी। सो दिस इज व्हाट ओ पी स्क्वायर और परपेंडिकुलर मीन्स ओ एन स्क्वायर। सो दिस इज ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। अगेन यहाँ पे क्या है, ए एन स्क्वायर और ए एन कहाँ पर है, देयर। और ये देखें तो यहाँ पे एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है जो अभी अभी मैंने शेड किया है, और ये भी कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। अब इसके लिए ये बेस है और ये क्या है, इसके लिए हाइपरटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये है, ठीक है, और इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो अगेन हम लोग लगा सकते हैं क्या, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपरटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए एन स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर रख देते हैं। सो दिस इक्वल टू ब्रैकेट ओपन किया तो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर और माइनस से क्या हो गया, प्लस ओ एन स्क्वायर, राइट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ओ एन स्क्वायर नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो कैंसिल, क्या निकल के आ जाता है, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, राइट। सो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर चाहिए, जबकि हम लोगों के पास में क्या है, ओ ए स्क्वायर। अब ओ ए और ओ टी ये दोनों तो क्या हैं, रेडियस हैं, और एक ही सर्कल की रेडियस तो इक्वल होती है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके प्लेस पे, सो दिस इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए, ओ ए के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, ओ टी। सो रख दिया ओ टी स्क्वायर, सिंस ओ ए इक्वल टू ओ टी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, राइट। और यही हम लोगों का क्या है, सेकंड पार्ट है जो कि प्रूव करना था, लेट दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर टू। सो दो चीज़ें हम लोगों ने शो कर दी हैं। अब क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, थर्ड कंडीशन में क्या प्रूव करना है हम लोगों को, पी ए इंटू पी वी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। चलिए तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ वी है, अभी हमारे पास क्या है, सो क्या इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास, हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन में है दैट पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू क्या लेके आए हैं हम लोग, पी ए इंटू पी वी, ये इक्वेशन नंबर वन से है। और दूसरा क्या है कि पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, और ये क्या है हम लोगों की इक्वेशन नंबर टू। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो दोनों ही इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, सेम है, इक्वल है। इसका मतलब राइट हैंड साइड्स भी इन दोनों इक्वेशंस की क्या होंगी, सेम। सो देयरफॉर बाई वन एंड टू इन दोनों के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल होगा, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर के, ठीक है। सो अभी ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, जबकि हम लोगों को कुछ चाहिए क्या, पी टी स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी, सो ओ पी कहाँ पर है, ओ पी इज दिस, और ये क्या है, ओ टी इज दिस। तो अभी हम लोग देखें तो ये सारी की सारी साइड्स किस ट्राइंगल के अंदर आती हैं, इस ट्राइंगल के अंदर, और इस ट्राइंगल के अंदर ये क्या है, रेडियस है, किसके ऊपर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस ड्रॉन करिए टेंजेंट के साथ, राइट। सो इसका मतलब ये वाला एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग थ्योरम जानते हैं कि रेडियस ड्रॉन थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तब ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, करेक्ट। और ये क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर मान लेते हैं, सपोज नाउ दिस इज फॉर परपेंडिकुलर। सो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, ओ पी स्क्वायर मीन्स हाइपरटीनियस का स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हाइपरटीनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो क्या होता है, बी स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर। और इस ट्राइंगल के लिए तब बेस क्या हो गया, पी टी, करेक्ट। सो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, पी टी स्क्वायर। तो ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट है जो कि हम लोगों ने प्रूव किया, ये हम लोगों का सेकंड पार्ट है जो कि हम लोगों ने प्रूव किया, और ये हम लोगों का थर्ड पार्ट है जो कि हम लोगों ने प्रूव किया है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी वीडियोज़ के लिए अपनी प्ले लिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड करे हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नई क्वेश्चन एक नई कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।